देखिए, इस बार जो आगामी दुर्गा पूजा का त्यौहार है उसको देखते हुए कल सप्तमी से लेकर और रावण वध के लिए भी अलग से तैयारी है, और उसके बाद विसर्जन, इन सब तक के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 150 जो नियमित हमारी प्रतिनियुक्तियाँ हैं, उसके अलावा 150 से अधिक जगहों पे हम लोग अपने ट्रैफिक के कर्मी को रखेंगे ताकि सामान्य जन को किसी तरह की यातायात में कोई बाधा ना हो। और विशेष रूप से इसका जो मूल ये चीज़ है कि डाकबंगला चौराहे को सेंटर मानते हुए उसके तरफ जाने वाले वाहनों को पे प्रतिबंध रहेगा, और उसके लिए वैकल्पिक डाइवर्सन बनाए गए हैं जहाँ पर हमारे कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे। मुख्य रूप से जो वोल्टास मोड़ है उसके आगे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। उसी तरह से भट्टाचार्या मोड़ से जमाल रोड का जो एग्जिट है वहाँ से, एसपी वर्मा रोड का जो एग्जिट है वहाँ से, रामगुलाम चौक है स्टेशन गोलम्बर के तरफ से, इन सब तरफ से वाहनों का डाकबंगला के तरफ में प्रवेश वर्जित रहेगा। भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से इन सभी दिनों के लिए वर्जित कर दिया गया है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको इससे बिल्कुल एग्जेम्प्ट रखा गया है। उनके लिए वैकल्पिक मार्ग के साथ साथ जो प्रतिबंधित मार्ग हैं उन पर भी आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारे ट्रैफिक कर्मियों हैं उनकी जो प्रतिनियुक्ति है वो दो प्रकार से की गई है। एक तो जो नॉर्मल डेज के हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे डाकबंगला चौराहा हो गया, इनकम टैक्स गोलम्बर है, बोरिंग रोड चौराहा है, अड़ताली मोड़ है, इत्यादि ऐसे जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पे सामान्य जो हमारे प्रतिनियुक्ति की अवधि सुबह 6 बजे प्रारंभ होती थी उसको थोड़ा सा बढ़ा के 9 बजे से वो किया गया है। और उसके अलावा जो विशेष जगह जहाँ पर बताया गया कि दुर्गा पूजा के मद्देनज़र की गई है उन पे शाम में 4 बजे से वो रेगुलेशन हमारा शुरू हो जाएगा और उसके पहले प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। एक जो मुख्य समस्या जो तेज़ गति के वाहन और बाइकर्स गैंग और इन सब की बात आती है, तो इनको रोकने के लिए जो हमारे मुख्य इस तरह के स्थल हैं जैसे राजा बाजार फ्लाईओवर है, उसके अलावा हमारा अटल पथ है, पाटिल पथ है, जेपी गंगा पथ है, इन पे जगह जगह पे हम लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग कर वहाँ पदाधिकारी और इसके प्रतिनिधि रहेगी ताकि वो इस तरह के किसी भी एक्टिविटी पे इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। और इसमें आप लोगों के माध्यम से आम लोगों से भी हम लोगों का अनुरोध है कि जो भी यातायात के सुगम संचालन के लिए व्यवस्था की गई है उसका ना केवल पालन करें, बल्कि अगर कहीं उन्हें लगता है कि कहीं पर इसका ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, इस तरह के गैंग या कुछ उस तरह के एलिमेंट ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनके कारण दुर्घटना की या अन्य किसी तरह की समस्या हो रही है, तो हम लोगों का जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पे व्हाट्सएप के माध्यम से या सूचना के माध्यम से वो खबर दें, ये हम लोगों का अनुरोध है ताकि हम लोग शांतिपूर्वक इस पर्व को निकाल कम्युनिटी सकें। पुलिस को भी लगाया जाएगा। हाँ, इसमें कम्युनिटी पुलिस के भी काफ़ी जवान हमेशा से रहते हैं और वो लोग भी इसमें हमें सहयोग करेंगे।